ओह माय गॉड, क्या ये रैंक मैच की लॉबी है? एंड अगर रैंक मैच की लॉबी भी है तो फिर ये लॉबी कैसे आई? इतने ज्यादा नूब बंदे, वो भी रैंक मैच में, वो भी सीजन 29 में, आखिर कैसे पॉसिबल? क्या नूब लॉबी ग्लिच अभी भी वर्किंग है? एंड अगर वर्किंग है तो फिर उसको कैसे यूज करें? हे गाइस, बेटू आर्मी हियर। तो फाइनली कैसे हो आप लोग? आई होप की गाइज बढ़िया होंगे। एंड गाइज बढ़िया ही रहना। गाइज फाइनली मेरा स्कोर 4100 हो चुका है। एंड आपको भी पता है की मैं इस सीजन कंटिन्यूअसली सोलो में ही रैंक पुश कर रहा हूँ। गाइज अभी तक रीजन पे किसी भी बंदे का नाम नहीं आया, इसीलिए मेरे को पता नहीं चला कि मैं रीजन से कितना दूर हूँ। सो गाइज जैसे ही रीजन पे नेम शो होगा, आपका भाई 2 दिन के अंदर टॉप 5 करेगा। गाइज पॉइंट ये है कि मैं करूंगा कैसे, तो सो गाइज आज की वीडियो में तो मैं आपको बताने वाला हूँ नूब लॉबी ग्लिच के बारे में। बट उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे ग्लिच पता किए जो सीजन 29 में वर्किंग है, एंड उससे आपकी आईडी भी बैन नहीं होगी। वो है गाइज बाइक ग्लिच का मतलब ये है कि आपको कोई भी बंदा व्हीकल पे नहीं मार पाएगा। 10x प्लस ग्लिच का मतलब ये है गाइज कि एक बार में आप 10 डिवाइस में इजिली प्लस कर सकते हो, जो नई ग्लिच आई है। बात है गाइज एलिमिनेट ग्लिच, जिससे कि आप सारे बंदे को एलिमिनेट करा दोगे एंड आपका बुया हो जाएगा। तो गाइज ऐसे बहुत सारे ग्लिचेज मेरे को पता है जो मैं डेली बाई डेली वीडियोस डालने वाला हूं। गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर देना। एंड यार मैं बहुत करीब हूं 100K सब्सक्राइबर के, तो यार प्लीज अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर चुके हो तो शेयर कर दो। चलो गाइज सबसे पहले तो मैं नूब लॉबी ग्लिच को एक्टिव करने के बाद गेम को स्टार्ट करता हूँ। एंड गाइस ये चेक करते हैं कि नूब लॉबी ग्लिच सही में वर्किंग है या नहीं। फाइनली मैंने ग्लिच को एक्टिव करने के बाद गेम को स्टार्ट कर दिया है। एंड गाइस जैसे गेम स्टार्ट होता है हम लोग लॉबी में आ जाते हैं। एंड गाइस आप लोग ये लॉबी देखो, तो इस लॉबी में गाइस सारे के जो सारे बंदे है ना, वो पूरे के पूरे बॉट है, मतलब वो आपको गोली भी नहीं मार पाएंगे। एंड मुश्किल से एक या दो बंदा अच्छा आया होगा जिनसे आपको फाइट करनी होगी एंड गेम को बुया करना होगा। एंड गाइस ये बंदे नूब आए हैं या फिर प्रो, ये तो आपको उनके ड्रेसअप से पता चल ही रहा होगा गाइस कि कैसी लॉबी आई है, वो भी 4100 स्कोर पे। फाइनली गाइज हम लोग प्लेन में आते हैं, तो सबसे पहले आपको लीडर बोर्ड शो होगा गाइज। तो सेकंड नंबर पे देख लो लेलेस करके नाम है कुछ, एंड फर्स्ट नंबर का जो नाम है गाइज, यही दो बंदा है जो गेम में मेरे से ज्यादा अच्छा है। एंड बाकी जितना भी बंदा आया है गाइज, वो सारा का सारा बॉट बंदा है, मतलब नूब लॉबी है। एंड गाइज लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे देखोगे तो BR रैंक लिखा हुआ, मतलब ये कंफर्म्ड है कि ये रैंक मैच है। बट गाइज फाइनली लैंडिंग की बात तो यहाँ पे भी आएगी ना, तो गाइज लॉबी नूब हो या हार्ड, आपको खेलना एकदम अच्छे से एंड सेफली, क्योंकि अगर नूब बंदे की भी हेडशॉट लगेगी तो वो तो हेड ही काउंट होगा। तो गाइज लैंडिंग के लिए तो आपको उसी टिप्स को फॉलो करना है जो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि प्लेन के एंड में लैंड करना एंड कोशिश करना गाइज कि थोड़ा सा दूर जाए। एंड फाइनली प्लेन में एक ही बंदा बचता तो डायरेक्टली वो मैं अकेला बचता हूँ, क्योंकि ये तो ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर आप जाओगे प्लेन के अंदर तो देख लो गाइज कि यहाँ पे मेरे साथ मतलब सिर्फ एक बंदा आ रहा है एंड एक और बंदा, यानी कि 2 बंदा आएगा, बट आपको पीछे नहीं जाना, एकदम आगे की साइड चले जाना है। गाइज देख लो फाइनली मैं यहाँ पे एकदम पूरा आगे आ जाता हूँ, क्योंकि गाइज मैं रिस्क क्यों लूँ, तो मेरे पीछे भी एक बंदा रहता, बट आपको भी पता है कि वो नूब बंदा, आप चाहो तो उसको डायरेक्टली मार सकते हो, बट गेम की स्टार्टिंग में रिस्क मत ले। यहाँ पे भी गाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको लूट करना है, तो गाइज लूट वगैरह जो भी चीजें है ना, लॉबी नूब हो या हार्ड फर्क नहीं पड़ता, आपको लूट अपना सब कुछ प्रॉपर वे में करना है, क्योंकि गाइज गलती से भी आपको मरना नहीं है अगर आप ग्रैंड मास्टर करना चाहते हो तो। एंड फाइनली गाइज देख लो यहाँ पे तो मैं लूट कर रहा था एंड केवल 29 बंदे बचे, एंड अभी तो फर्स्ट जोन भी श्रिंक नहीं किया गाइज, तो समझ लो ना कि कितने नूब बंदे। एंड लास्ट में मैं आपको किल करके भी दिखाऊंगा कि मतलब बंदे कैसे मरते हैं नॉर्मली। बट गाइज आपको ये कोशिश जरूर करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इनहेलर एंड मेडिकेट लेना चाहो वो ले लो, क्योंकि गाइज फायदा करेगा ना अगर आप जोन के बाहर हो, भले ही नूब लॉबी है फर्क नहीं पड़ता। ये गाड़ी मैंने इसीलिए क्योंकि जोन के अंदर जाना है, कोई गाड़ी वाला कैरेक्टर है नहीं मेरे पास। वैसे भी गाइज अगर आप नूब लॉबी ग्लिच लगा करके खेल रहे हो तो फिर आप कोई भी कैरेक्टर लेके खेलो, बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाइज जब बंदे ही नूब है तो फिर कैरेक्टर का क्या मानना, आप तो इजीली मार दोगे उनको। मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं जोन के बाहर। आप खुद ही देखो ना यार कि सेकंड जोन चल रहा है और मात्र 20 बंदे बचे, मतलब समझ रहे हो ना गाइज कि सेकंड जोन में 20 बंदा बचना, मतलब कितना जल्दी आपका पोजीशन टॉप 20 हो गया एंड अभी तो आप जोन के बाहर ही हो। फाइनली मेरा जो रूल है कि जब तक ये पोजीशन टॉप 10 नहीं हो जाता मैं जोन के अंदर नहीं जाता हूं, तो गाइज फाइनली देख लो जोन इतना छोटा है, पोजीशन भी टॉप 10 हो चुका, तो अब इजीली जोन के अंदर जाएंगे ना, जितने नूब बंदे होंगे उनको फिनिश करेंगे और क्या। तो गाइज फाइनली यहाँ पे देख लो मैं जैसे यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री करता हूँ तो मेरे को ऊपर की साइड में एक बंदा दिख जाता, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऊपर नहीं जाता, क्यों, क्योंकि मानता हूँ कि मैं वो बंदा नूब है, बट गाइज अगर गाड़ी पे मारेगा तो गाड़ी पे तो डायरेक्टली एम आएगा ना, अगर बीच में ही मर गया फिर क्या सीन होगा मेरा। तो गाइज फाइनली मैं क्या करता हूँ एकदम राइट से टर्न लेने के बाद डायरेक्टली जोन के अंदर जाता हूँ, पहले तो जोन के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइज, टावर के नीचे गाड़ी को छोड़ता हूँ, सबसे पहले अपने आप को सेफ करता हूँ। एंड गाइज जब मेरे को दिख जाता है कि मेरे आसपास कोई भी बंदा नहीं है, देन फिर मैं क्या करता हूँ इस गाड़ी को लेता हूँ, गाड़ी को लेने के बाद सीधा जोन के सेंटर में जाता हूँ, क्योंकि पता है पहले से ना कि नूब बंदे ही आए हैं, देख लो भाई नेम पॉइंट देख लो आप। एंड देन फिर गाइज गाड़ी को जोन के सेंटर में ले जाने के बाद मैं क्या करता हूँ एलसेप में जाता हूँ, एलसेप में जाने के बाद तुरंत ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे वेट करता हूँ, देन फिर गाइज मेरे को राइट से एक बंदा भागते हुए दिखता है, फिर मैं क्या करता हूँ स्कोप ऑन करता हूँ, इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, बट भाई बंदा देख लो यार, मतलब कैसे बंदा भाग रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं है। एंड गाइज सबसे
इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे गाइज ध्यान से देखना, राइट से क्या होता है, पीछे से मेरे को एक बंदा डैमेज देता है। देखो गाइज कितना धीरे धीरे करके डैमेज दे रहा है। ये वही बंदा है जिसका नाम लीडर बोर्ड पे मेरे से पहले आया था, आप लोग इसका नाम चेक कर लो, एंड वीडियो को स्टार्टिंग में ले जाने के बाद वहाँ पे भी लीडर बोर्ड चेक कर लो, दोनों नाम आपको सेम दिखेगा। जी यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट मेन पॉइंट तो ये है कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा ये नूब लॉबी। तो गाइज ज्यादा कुछ नहीं, मैं इस वीडियो का बस व्यूज टारगेट 10K या फिर लाइक टारगेट 2K देता हूँ, दोनों में से कोई भी एक टारगेट अगर कंप्लीट करते हो तो मैं अगले वीडियो में ही नूब लॉबी ग्लिच बता दूंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।